कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। बिहार फिलहाल दोहरी मार झेल रहा है, एक ओर कोरोना का संकट तो दूसरी ओर यास तूफान से तबाही। परेशानी का सबब उन मरीजों और परिजनों के लिए है जो अस्पताल में अपनों का इलाज करवा रहे हैं। बिहार के मुख्य अस्पतालों में से एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH का हाल देख लीजिए। हाल के दिनों में इस अस्पताल के जर्जर हालात को लेकर काफी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक में थी। एक बार फिर से इस अस्पताल की कलई खुलती नजर आ रही है। यास तूफान की वजह से DMCH में घुटने भर पानी जमा हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो या मेडिसिन वार्ड या फिर शिशु विभाग, अस्पताल के हर कमरे में पानी ही पानी है। चक्रवाती तूफान की वजह से हुई बारिश ने बता दिया कि सिस्टम किस कदर फेल है। मरीज एक और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर अब हर वार्ड में पानी है। परिजन परेशान हैं कि अपनों की देखभाल कैसे की जाए। पानी है और सबको तकलीफ हो रहा है, पर्सन को जो तकलीफ हो रहा है तो होता ही है। न कोई डॉक्टर अभी आ रहा है, न कोई नर्स आ रहा है। परेशानी इतनी ही नहीं है इस अस्पताल में। एक और इन्फेक्शन से जूझ रहे मरीजों के परिजनों को इस बात का भी डर सताने लगा है कि इस पानी की वजह से कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए। ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोग को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है, इतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले, लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पर्सेंट को। और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। दरभंगा में बारिश ने इस अस्पताल के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी। अस्पताल के किसी भी हिस्से में चले जाइए, हर तरफ पानी ही पानी। इसी अस्पताल के ICU वार्ड में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी भर्ती हैं। DMCH में पानी घुसने पर पप्पू यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि विकास का कमाल है, बिहार का तैरता अस्पताल एक दिन की बारिश में डूबा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज चुल्लू भर नहीं, अब इतना पानी है कि बेशर्म पूरा स्वास्थ्य महकमा डूब मर सकता है। ठीक कहा ना मंगल पांडे जी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल DMCH सालों से जल जमाव की समस्या झेलता आ रहा है। जल जमाव से निजात पाने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं भी बनी, लेकिन उन योजनाओं का क्या हुआ ये आप अस्पताल में जमा हुए बारिश की पानी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।